कल से एक मुद्दा है जो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं भी इस पर अपना रिव्यू दूँ, अपना राय विमर्श दूँ। मैं आपसे पूछने आया हूँ, मैं अपना रिव्यू नहीं देने आया हूँ, मैं आप सबसे पूछने आया हूँ। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है मेरे चैनल में, मैं आपका भाई शुभम सिंह। कैसे हैं आप सब दोस्तों? भोजपुरी के एक बहुत ही प्रसिद्ध यूट्यूबर जिनका नाम है महेश पांडे, उनके ऊपर केस हो चुका है। और केस हुआ है ये कि होटल में बुलाकर भोजपुरी एक्ट्रेस का रेप का मामला, मतलब होटल में बुलाकर रेप करने की कोशिश की गई है। अपना शर्ट उतार के, ड्रिंक करके, कॉन्डम की पैकेट्स लाई गई थी और उनसे रेप करने का वो किया गया है, कोशिश किया गया है, ऐसा केस सामने आया है। और ये नेशनल मीडिया के सोशल साइट्स पर भी ये खबर छप चुकी है। नहीं विश्वास है तो मैं स्क्रीन पर चला दूंगा, आज तक के साइट से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है जहाँ पर साफ लिखा गया है, आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा क्या क्या लिखा गया। इतना सारा डिटेल में लिखा गया, मुझे तो याद नहीं है क्या क्या है पूरा डिटेल, लेकिन इतना है कि भोजपुरी की एक्ट्रेस को होटल में बुलाकर रेप करने का मामला मतलब सामने आया है महेश पांडे के द्वारा। अब बहुत सारे लोग महेश पांडे के सपोर्ट में भी है, बहुत सारे लोग महेश पांडे के विरोध में भी हैं। तो मैं बस आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो ये महेश पांडे के साथ हुआ, क्या वो सही है या गलत है? क्या महेश पांडे पर केस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हालांकि लड़की का दावा है कि जो भी एक्ट्रेस उसमें गई थी होटल में, उनका दावा है कि मुझे इंटरव्यू के बहाने बुलाया गया और कहा गया कि मैं बेड पर इंटरव्यू लूँगा। मैं भी कंफ्यूज हो गया था कि बेड पर साला कौन सा इंटरव्यू होता है, बेड पर लेट कर कौन सा इंटरव्यू होता है? इंटरव्यू तो बैठ के प्रोफेशनली चेयर पर होता है, माइक लगाकर, कैमरा से, मोबाइल से, जो भी है शूट होता है। बेड पर कौन सा इंटरव्यू होता है मुझे नहीं पता। मतलब लड़की की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि महेश पांडे ने मुझे बुलाया, वहाँ पर ड्रिंक कर रहे थे, कॉन्डम के पैकेट रखे हुए थे, फिर जैसे ही मैं आई उन्होंने अपना शर्ट खोल दिया, फिर मेरे साथ बदसलूकी करने का प्रयास किया गया और कहा गया ऐसे ऐसे कि, और आगे आप समझ ही सकते हैं, मैं बोल नहीं सकता हूँ, वो मतलब रेप करने का मामला सामने आया, कोशिश की गई। हालांकि महेश पांडे का दावा ये है कि मुझे धोखे से बुलाया गया लड़की के द्वारा ताकि मैं पकड़ा जाऊँ मुझे पीटने के लिए। अब दोनों साइड के लोग अपने अपने पक्ष रख रहे हैं, तो किसको क्या लगता है वो अपना राय कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। क्या महेश पांडे के साथ ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? आप लोगों को महेश पांडे सही लग रहे हैं कि आरोही कि वो लड़की जो एक्ट्रेस है वो सही लग रही है? अपना राय विमर्श कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप ओरिजिनल, आपका नाम महेश पांडे है तो आधार कार्ड पर सुभाष कुमार क्यों था? जिस आधार कार्ड से आपने चेक इन किया था होटल में उसमें सुभाष कुमार क्यों नाम था? आप कॉन्डम के पैकेट ले जाकर वहाँ क्या कर रहे थे? आप दारू शराब ले जाकर वहाँ पर क्या कर रहे थे? मुझे नहीं पता। अब देखिए क्या होता है, आगे कार्रवाई क्या होती है। बस मैं इतना कहूँगा कि जो भी कार्रवाई हो सही हो, किसी निर्दोष को सज़ा नहीं मिले। तब तक इतना ही, लव यू ऑल, बहुत बहुत नमस्कार। लेकिन हाँ, महेश पांडे से भी यही कहना चाहूँगा, सुधर जा अभियो से, अभियो से सुधर जा मर्दे, अगर तारा बचल रहे के बता, अभियो से सुधर जा। जब सबको एक हो गए तो एक न्यूज़ बनावा, अच्छा न्यूज़ बनावा, सबके हित में बनावा। कोई की ख़राब लगा तो ओकरा क्रिटिसाइज कर, लहजा में कर, जितना गंदा तुम बोले हो कि निर्वंश मर जाओगे और निसंतान मर जाओगे, शर्म नहीं आता है? ऊपर वाला भी देख रहा है, कहीं वो चीज़ें तुम्हारे साथ मत हो जाए। तो प्लीज़ गरिमा में रह के वीडियो बनाइए, अच्छे से रह के वीडियो बनाइए। लव यू ऑल।